मुकाबला सपना जी नामांकन दाखिल किया गया, क्या मुद्दे रहेंगे, किस तरह से मंत्री जी जो कुछ काम अधूरा है क्या काम होंगे उनके याद में और क्या काम किया जाएगा? मुद्दे तो देखिए यही है कि जितने भी हमारे विकास कर रहे हैं, सड़कें हैं, शिक्षा है और महिलाओं की सुरक्षा है, यही सब चीज़ों को हम लेके आगे बढ़ेंगे। और जो हमारे स्वर्गीय पति जी के कुछ कार्य अधूरे रह गए हैं क्षेत्र में, उन्हें पूरे करने का हम प्रयास करेंगे। किस तरह से लोगों के बीच में जा रहे हैं, प्यार मिल रहा है क्या, और लोग बाग अपनी जो और मुद्दे हैं या समस्याएं आपके सामने रखते हैं पता लगा जी? सभी का बहुत अच्छा मुझे सहयोग प्राप्त हो रहा है और मैं मेरे साथ सभी हैं और 100% हम जीतेंगे। किस तरह की समस्या आप सुनने को मिलती है क्षेत्र में, आप लगातार घूम रहे हैं काफी दिनों से? देखिए जी जी, ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांशतः समस्या सड़क वगैरह की होती है और वही है जिन्हें हम प्रयास करेंगे पूरा पूर्ण करने का। मंत्री जी की कमी खलेगी चुनाव में? देखिए वो एक पारिवारिक और क्षेत्रीय सभी की कमी है, सभी को महसूस होगी, मगर सभी का सहयोग प्राप्त होगा तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। जी किया है आपने, किस तरह से लोगों के पास जाएंगे, किस तरह से अपना माहौल? उत्तर प्रदेश में दोबारा से योगी जी की सरकार आने जा रही है, पूरे उत्तर प्रदेश का वातावरण भारतीय जनता पार्टी का है और बुढ़ाना सीट आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, कहीं न कहीं किसानों की और जो पूरे हिंदुस्तान में जानी भी जाती है सिसोली, वो ऐतिहासिक किसानों की राजधानी भी उसी विधानसभा में है और कहीं न कहीं पिछली बार भी 2017 में भी चौधरी साहब हर का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ था, इस बार भी चौधरी साहब का पूर्ण आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं कि तीसरी बार मुझ में विश्वास जताया और तीसरी बार मुझे भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर बुढ़ाना विधानसभा में चुनाव लड़ने का आदेश दिया। मैं धन्यवाद करता हूं अपने जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला जी का, धन्यवाद करता हूं अपने जनपद के प्रभारी सत्येंद्र सिसोदिया जी का। और सच्चाई तो यह है कि 2013 में जो उत्तर प्रदेश की सरकार, तत्कालीन सरकार अखिलेश जी की सरकार ने जो शोषण उत्पीड़न हमारे जनपद में 18-28 वर्ष की आयु के नौजवान लड़कों पर, माताओं बहनों पर, बुजुर्गों पर फर्जी मुकदमे लगाकर हजारों की तादाद में लोगों को जेल भेजने का काम किया था, इस जनपद मुजफ्फरनगर की जनता अगले 50 वर्ष तक वो समय भुला नहीं सकती। इसलिए आज 6 की 6 सीट जनपद मुजफ्फरनगर की इस बार भी जीतेंगी और आने वाली योगी जी की सरकार में जनपद मुजफ्फरनगर की हिस्सेदारी रही। साहब के आशीर्वाद की बात, राजधानी बताइए आपने, आशीर्वाद बताया लेकिन उन्होंने 24 घंटे में अपने विचार बताया और उन्होंने सबको आशीर्वाद देने का मना कर दिया, उसमें क्या कहेंगे आपको, कैसे आशीर्वाद? पिछली बार भी उनका यही बयान था, यूनियन कहीं ना कहीं अराजनीतिक है, लेकिन उनका आशीर्वाद पिछली बार भी प्राप्त हुआ था और इस बार भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। वे ऐसे कौन से कार्य है जो पिछले 5 साल में रह गए और आगे करना चाहेंगे? बहुत बड़ा विकास का काम हुआ है, जनपद का रूप बदला है, प्रदेश का रूप बदला है, ऑक्सीजन प्लांट जैसे काम, बस अड्डे जैसे काम, राजकीय डिग्री कॉलेज, लड़कियों का राजकीय डिग्री कॉलेज, बहुत STP प्लांट, राष्ट्रीय ध्वज, चौकियों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, कितना बताएं, जो पिछले 50 वर्षों में ये सारी चीज़ें बुढ़ाने में हुई है मित्र। ऑक्सीजन प्लांट जनपद में पहला ऑक्सीजन प्लांट मुझे बुढ़ाना CHC में लगा, जनपद के अंदर एक राजकीय डिग्री कॉलेज आया वो शाहपुर के अंदर निर्माणाधीन है, जनपद के अंदर एक राजकीय डिग्री गर्ल्स कॉलेज आया वो भी राजपुगड़ी के अंदर। सवाल है क्या सिसोली से आपको प्यार मिलेगा, उम्मीद है? सिसोली से मुझे पिछली बार 70% वोट मिला था, दावे के साथ कह सकता हूँ इस बार 80% वोट सिसोली से मुझे मिलने जा रहा है। आशीर्वाद लेने जाएंगे? लगातार आशीर्वाद लेते रहे हैं, लगातार उनके मार्गदर्शन में उनकी सलाह मशवरे से काम करते हैं और भविष्य में भी इसी प्रकार से काम करते मिलने जाएंगे आप? प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर संजीव बालियान जी उनके हालचाल की खबर ले आए हैं, मैं भी फोन के ऊपर उनके हालचाल की खबर लेता रहता हूं। चुनाव पर चर्चा हुई थी क्या साहब मंत्री जी की? वो उनका हालचाल का पता करने गए थे। अब तो BJP ने भी मुलायम सिंह के परिवार में सेंध भी लगा दिया, पर यादववाद साहब क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सेंध नहीं लगाई है, वो पिछली बार जैसा वातावरण जो सपा का हुआ था उससे भी खराब वातावरण आगे 2-3 दिनों में होने वाला है।
लो। चलो 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 एक सीट आगे भाई, एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तनवीर पीछा एक मिनट रुक जाइए। आई समाज में जितने लोग क्या करते हैं ये तो खारे किनारे में हम क्या कर सकते हैं। हम ले हम जब कभी हो जाए आपका तो हो गया वहाँ मलिक साहब मान जाओ भाई, वो मोबाइल पीछे विधायक जी विधायक जी एक मिनट बोले चौहान साहब पर्चा दाखिल किया, क्या मुद्दे रहेंगे और किन चीजों को लेकर आप चुनाव मैदान में लोगों के बीच जाने वाले? देखिए हम सबसे पहले माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने मौका दिया और मीरापुर के में विधानसभा से सिंबल दाखिल करने का उन्होंने निर्णय लिया, उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। पर पिछले दिनों जो हालात देश के आपने देखे हैं, चाहे किसानों के मुद्दों को लेके हो, चाहे महंगाई के खिलाफ हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, बेहतर कानून व्यवस्था के लिए हो, अच्छी शिक्षण और स्वास्थ्य संबंधित चीज़ के लिए हो, ये जो है सबसे बड़ी बात जो है जनता ने मन बना लिया है कि 2022 के अंदर बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश के अंदर होगा और अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में परिवर्तन होकर उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनने का काम होगा। पिछली बार के जो विधायक थे वो नजर नहीं आए, क्या उनकी जो पूर्ति है जो पिछला जो काम है आप पूरा करेंगे? ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे पूर्वज यहाँ से, चाहे संजय चौहान जी मेरे पिताजी जो हैं वो मोड़ना पहले विधानसभा हुआ करती थी, वो वहाँ से विधायक रहे, बिजनौर लोकसभा का एक हिस्सा है मीरापुर, वहाँ से उन्हें अपने संसद कार्यकाल का जो है प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। और चाहे मेरे बाबा हों बाबू नारायण सिंह जी, वो 77 और 74 में वहाँ से विधायक रह के उप मुख्यमंत्री पद तक जो है सुशोभित होने का मामला हुआ, उन्होंने मौका मिला। ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि उनकी कर्म भूमि में जाके मैं अपने पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मौका दिया कि वहाँ सेवा करने का मौका मिलेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारी बहुमत के साथ वहाँ की जनता प्यार और सहयोग देना काम करेगी। उस क्षेत्र में जो पिछले विधायक रहे उनका काफी वो चुनाव लड़ने के बाद जीतने के बाद वहाँ पहुँचे नहीं, क्या उसका भी आपको लाभ मिलेगा? जनता चाहती है कि जनप्रतिनिधि उनके बीच का होना चाहिए और ये उनका अधिकार भी है। तो पिछले जो अनुभव रहे हैं वो बड़े ही खट्टे रहे हों, पर आगे ऐसा नहीं होगा। नहीं नए प्रत्याशी भी इस तरह के हैं बीजेपी के? वो उनकी पार्टी का निर्णय है, वो किसे देगा? हमारी पार्टी 6 की 6 विधान गठबंधन जो है मुजफ्फरनगर जनपद की 6 की 6 विधानसभाएं जीतने का काम करेगी जनता के प्यार। मंत्री जी नामांकन दाखिल किया है, क्या मुद्दे है, किन चीजों को लेकर जनता के साथ पास जाएंगे और जो पिछले ऐसे कौन से कार्य है पहले जो आगे करेंगे जो रह गए हो? देखिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हमारी मुजफ्फरनगर जनता ने, पूरे हिंदुस्तान ने नरेंद्र मोदी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया।
मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से 5 वर्ष में भरपूर कार्य किए हैं और दोनों की टीम ने मिलकर के जन आकांक्षाओं पर खड़ा उतरने का कोशिश की है, प्रयास किया है। और मुजफ्फरनगर में भी सांसद के रूप में डॉक्टर संजीव बालियान, विधायक के रूप में हमने और हमारे अन्य विधायकों ने जिस प्रकार से जनता की भावनाओं का सम्मान रखते हुए उनकी आकांक्षाओं को खड़ा उतरे, उनकी सेवा में लगातार तत्पर रहे, उसी के विश्वास के भरोसे, हमारे कार्यकर्ताओं की टीम के भरोसे और मुजफ्फरनगर क्षेत्र की जनता के भरोसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमको 3री बार यहाँ से चुनाव लड़ने का मौका दिया है। हमारा पूरा विश्वास है कि जो उनकी अपेक्षाएँ हैं वो जनता की अपेक्षाएँ हैं, हम उन पर खड़ा उतरेंगे। जनता यहाँ की पूरा आशीर्वाद, अपना मतदान, अपना सहयोग दे करके हमको 3री बार विधानसभा में भेजेगी, यहाँ से हम विजयी होंगे। और केवल मुजफ्फरनगर नहीं, सभी 6 सीटें जो हमारे जनपद की हैं वो जीत करके सभी विधानसभा पहुँचेंगे। मुद्दों की अगर बात की जाए, पहले लोगों को कुछ अलग अपेक्षा थी, जैसे राम मंदिर था और बहुत सारी चीज़ें, इस बार क्या अपेक्षा? केवल राम मंदिर नहीं, राम मंदिर तो हमारी आस्था का, हमारे विश्वास का प्रतीक है, पर असली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जन आकांक्षाएं यानी जनता के कल्याण की, देखिए जनता से, सरकार से कुछ अपेक्षाएं होती हैं। सबसे पहले होती है सुरक्षा, चूँकि व्यापारी है, उद्यमी है, यहाँ एडवोकेट, हम कचहरी में यहाँ खड़े हैं, एडवोकेट्स हैं, हमारी बेटियाँ हैं, महिलाएँ हैं, उन सबको सबसे पहले चाहिए सुरक्षा, ताकि सुरक्षित वातावरण में अपना काम, अपना व्यवसाय, अपनी पढ़ाई कर सकें। माने मुख्यमंत्री 100% उस पर खतरा उतरने का अपने संकल्प को पूरा किया है। उसके बाद जो होता है स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य में बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर लेकिन मैं केवल वैक्सीनेशन की बात करूँ तो 160 करोड़ वैक्सीनेशन अभी तक पूरी हो चुकी है। किसी प्रकार की कोई भगदड़, कोई शोर, कोई अव्यवस्था उसके अंदर नहीं पड़ी। ऑक्सीजन सबको दी गई, हॉस्पिटल सबको दिए गए, उसके बाद 100% वैक्सीनेशन होने का कामरा, जो हिंदुस्तान ने दुनिया की बड़ी उपलब्धि है, उसके लिए जनता पूरी मुख्यमंत्री जी के और प्रधानमंत्री के प्रति एकदम आशान्वित है कि इतना बढ़िया सिस्टम हमारा चल रहा है। एक सवाल है सब लोगों के मन में, आप प्रदेश में मंत्री भी हैं, क्या किसान आंदोलन का प्रभाव इस चुनाव में पड़ेगा, मानते हैं आप 6 सीटों पर? देखिए किसान आंदोलन था, माने प्रधानमंत्री ने उसको वापस लिया, मैं उस पर तो चर्चा नहीं करूँगा क्या अच्छा था क्या खराब था, चूँकि प्रधानमंत्री वापस ले लिया, पर उसके बाद आपको विषय खत्म हो गया। अब सब लोग किसान, जहाँ तक मैं किसान की अगर बात करता हूँ तो किसान खुददार कौम है, हमेशा किसान ने देश के लिए काम किया, देश के लिए संघर्ष किया, देश के लिए अन्न उगाता है, सबकी मदद करता है, और किसान हमेशा लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। चूंकि मोदी जी ने किसानों को जितना सम्मान देने का काम किया, हमारे उत्तर प्रदेश में ऋण वापसी हुआ, उत्तर प्रदेश में लगातार उनको धन मिलने का काम हो रहा, प्रतिवर्ष उनको हम 6,000 रुपये देने का काम करते हैं, उनकी कीमत गन्ने की बढ़ाने का काम किया है, उनकी आमदनी दुगनी करने का काम किया है, किसान सम्मान निधि लगातार हम दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसान का बेटा अधिकांश, ये तो बेटे सभी के होते हैं, हमारे बेटे भी हैं, पर किसान का अधिकांश बेटा देश की सीमा पर देश की रक्षा करने का काम करता है, और उनको जो सम्मान दिया है, पहले 100 नौजवान शहीद होते थे, आज 2 नौजवान शहीद होते हैं, यानी 98% तक हमने उसको कम करने का काम किया, उनको संरक्षण देने का काम किया। जो पाकिस्तान लगातार हमको धमकाने का काम करता था, हमारे जो नौजवान कहीं ना कहीं पहले की सरकारों में डरने का काम करते थे, आज वो सीना तान करके देश की सीमा पर खड़े हैं और पाकिस्तान देश को उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तत्पर रहते हैं, मजबूती के साथ हमारे नौजवान खड़े हैं। अब बात जिले की 6 सीट होगी, क्या लगता है आपको? मैंने बताया ना आपको, हमारे कार्यकर्ताओं के बल पर, देखिए संगठन की पार्टी है, हम कार्यकर्ताओं के बल पर राजनीति करते हैं, प्रत्याशी पार्टी हमको बनाया, हमारे अन्य साथियों को बनाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठन हमारा इतना मजबूत है और लोगों का इतना भावना, एक दिल से लोग योगी की जय जयकार करें, और योगी जी को निश्चित रूप से लोग दूसरी बार मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, चूँकि पहले की सरकारों में, अन्य बसपा में, सपा में लोगों ने सबको देखा है, और परिवारवाद की राजनीति वहाँ पर होती थी, आज राजनीति संगठन की है, समाज की है, प्रदेश की है, देश की है। विरोध के स्वर भी कहीं सुनने में आए? कोई विरोध का स्वर नहीं, कोई विरोध का स्वर नहीं है, सब लोग भाजपा के लिए खड़े हैं, लोग पलक पावड़े खड़े हैं, कल चुनाव हो जाए तो कल ही हम चुनाव जीत जाए, ऐसी स्थिति हमारी है। हमको नहीं पता किसी के पुतले फूंक रहे, हमको तो लगता नहीं किसी का पुतला फूंका है, हमको ये भरोसा है कि 6 के 6 विधायक मुजफ्फरनगर जीत कर जाएंगे। कपिल देव अग्रवाल को मिलने वाले वोट कपिल देव के नाम पे ज्यादा होंगे या योगी के नाम पे ज्यादा? देखिए हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमें तो छोटी सी विज्ञापन एजेंसी है, जो कुछ भारतीय जनता पार्टी का है उसी ने हमको इस लायक बनाया कि लोग आज हमारा आप इंटरव्यू ले रहे हो, ठीक है ना, जो कुछ भाजपा का, हमारा हमारी एक वोट है वही भाजपा की, ठीक है, धन्यवाद। और भाई अध्यक्ष जी को जाना था थोड़ा सा, आ गया आ गया। विधायक जी आप नामांकन किया है, 5 साल आपने विधायकी पूरी कर ली, आगे ऐसे कौन से काम है और किन मुद्दों? पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को, नेतृत्व को, अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से, अपने समाज की ओर से, जो क्षेत्र नेतृत्व ने मुझ पर दोबारा विश्वास जताया, मैं उनके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ।
और क्षेत्र की जनता जो हमारे योगी जी ने सबको सबका साथ सबका विकास है, छोटी छोटी योजना बिजली हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, आयुष्मान भारत कार्ड हो, और एक तो असली जो सबको दी है कानून व्यवस्था जो सबको चाहिए थी, इससे क्षेत्र की जनता प्रदेश की जनता माननीय योगी जी और मोदी जी से बहुत खुश। आगे कौन से ऐसे कार्य करेंगे, ऐसे मुद्दे रहेंगे कि जो कुछ रह गया हो आगे काम? मेरे यहाँ जो मेन समस्या है, जैसे मेरे यहाँ खादर पड़ता है, खादर में उत्तराखंड सीमा वाले पानी और जो पानी हो जाता है उसे छोड़ते हैं, ऊपर से बरसात आती है तो जो किसान मजदूर हमारे उनकी फसलें नष्ट हो जाती है, बड़ा नुकसान होता है, उनके लिए बंदा बनवाने का काम किया है। इससे पहले और भी सरकारें रहे, किसी ने नहीं सोचा 110 करोड़ का बंदा अगर आचार संहिता ना लगती तो उस पर काम चालू हो गया था, ये माननीय योगी जी ने प्रस्ताव कर दिया है। और जो मेन समस्या है जो 70 किलोमीटर दूर जो मेरा किसान मजदूर व्यापारी जो मुजफ्फरनगर तहसील में आता है उसका किसान उसका पूरा दिन तहसील के चक्कर काटने में लग जाता है, जो समस्या 30-40 सालों 50 सालों से आती है, उस समस्या को मैंने जब शपथ ली थी क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से, तो मैंने जब भी पहले ही विधानसभा में ये मुद्दा उठाया था और उसमें लगकर काम किया, माननीय योगी जी ने उसमें अस्थायी प्रस्ताव का तहसील का दर्जा देने को जिलाधिकारी को पासन को भेज दिया था, जिसमें बरला में जो गेस्ट हाउस है उसमें अस्थायी का प्रस्ताव जा चुका है, माननीय योगी जी ने उसे कर दिया है, केवल ये भी आचार संहिता की वजह से रुक गया। अच्छा, एक कड़वा सवाल, कुछ लोग नाराज थे, पुतले फूंक रहे थे। मेरे से मेरे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई नाराज नहीं है, ना क्षेत्र की जनता नाराज है, मैंने इतने विकास किए हैं, मैं हर साल अपने कार्यकर्ता का अपने बूथ अध्यक्ष का सम्मान करता हूँ, तीस त्यौहारों पर करता हूँ, बुला के करता हूँ, मेरा कार्यकर्ता कोई नाराज नहीं। ये तो गठबंधन के जो जो लोग हैं जो जनता के बीच में ना कभी गए हैं वे डर के इसलिए ड्रामा करा रहे थे, मेरा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता किसी ने नहीं कहा, ये सपा गठबंधन के लोग। धन्यवाद।